बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अबीरा मेरे चचा की बेटी थी। उसकी पैदाइश पर बुज़ुर्गों ने तय किया था कि वो उसकी शादी मेरे भाई अरहम से करेंगे। चचा की मुलाजमत ऐसी थी कि उनका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहता था, लिहाजा वो कम दिनों के लिए अबाई शहर आते थे। वक्त गुजरता रहा, हम सब बड़े हो गए। अब घर में अरहम भाई की शादी का मामला जेरे बहस लाया गया। चचा जान ने रिश्ते के लिए वालिद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने बेटे से बात की। उसने कहा कि मैं अदीरा से शादी नहीं करूंगा। उस पर वालिद साहब नाराज हो गए और कहा, तुमने बहनों के बारे में सोचा है? हमारे घर में भी बेटियां हैं, अगर तुम उनकी बेटी से शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे चचा भी हमारी लड़कियों का रिश्ता नहीं लेंगे, तब हमें गैरों का मुंह देखना पड़ेगा। वालदा ने भी यही बात कही। बेटे से इल्तजा की कि वो अबीरा से शादी पर राजी हो जाए। माँ की आंखों में आंसू देखकर माँ की बात को रद्द ना कर सके और अबीरा से शादी पर राजी हो गए, जबकि उन्हें ये लड़की कतई पसंद नहीं थी। उनकी उसके साथ ज़हनी हम आहंगी ना थी। वो कुछ आज़ाद ख्यालात की मालिक थी और फैशन करने वाली थी, जबकि भाई को साथ की पसंद थी। उसके अलावा अबीरा के बारे में कुछ गलत किस्म की बातें भी उड़ गई थी जो अरहम भाई के कानों तक पहुंच चुकी थी। वो इस वजह से भी उसके साथ शादी करने से गुरेजा थे। भाई ने माँ से कहा, सिर्फ बहनों और आपकी खातिर दिल पर पत्थर रख कर शादी कर रहा हूँ, वरना अबीरा मुझे जरा भी पसंद नहीं है। बहरहाल अबीरा और अरहम की शादी हो गई और उसके बाद मेरी दो बहनों की शादी भी चचा के बेटों से हो गई। तीन घर तो बस गए, लेकिन अरहम का सुकून लुट गया। हालांकि उसने इरादा कर लिया था कि उस शादी को हर सूरत निभाएगा, क्योंकि बहनें अपने घर में खुश हैं। मेरे भाई ने बीवी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर अबीरा का दिल हमारे घर में ना लगा। उसका रवैया हर किसी से सर्द रहा। दरअसल वो भाई से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि जहां मुलाजमत करती थी वहां के एक अफसर से दिली वाबस्तगी हो गई थी। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर चचा ने बेटी की एक ना चलने दी और ज़बरदस्ती अरहम से शादी करवा दी। इस ज़बरदस्ती की शादी का यह अंजाम हुआ कि अबीरा हमारे घर को अपना घर नहीं समझती थी। हर दिन बहाना बनाकर मायके जाकर रहने लगी। इस दौरान अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी से नवाजा, लेकिन ममता भी उसके दिल में शौहर और घर से मोहब्बत पैदा ना कर सकी। उसके दिल में अभी तक अपने कोलीग की मोहब्बत मौजूद थी। वो एक माह में बमुश्किल 10 रोज़ हमारे घर रहती थी। उसके वालिदैन समझाते, मगर उस पर कोई असर ना होता। इस वजह से भाई को और परेशानी रहती कि आखिर उसकी बीवी अपने घर में क्यों नहीं रहती। वो इन दिनों बहुत अफसरदा और परेशान रहने लगे थे। गाड़ी भी ठीक से नहीं चलाते थे, बातें करते करते गुम हो जाते। यही हाल उनका गाड़ी ड्राइव करते वक्त होता था। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि वो रोड पर हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बिलाखिर उनकी ज़हनी कैफियत ने एक दिन उनकी ज़िंदगी छीन ली। दफ्तर के किसी काम से वो सरगोधा जा रहे थे कि रास्ते में एक जीप से उनकी गाड़ी टकरा गई। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर लगी, लोहे की रैकिंग को तोड़ती हुई खाई में जा गिरी। वो मौके पे ही जा बहक हो गए। उन दिनों वालिद साहब सऊदी अरेबिया में थे, जहां वो एक कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। उन्हें बेटी की वफात की इत्तला मिली तो फौरन आ गए। यह सदमा उनके और हम सब के लिए जानलेवा था, जिसे सहना किसी क़यामत से कम नहीं था, मगर सहना ही था। जब जरा इस सदमे से हम संभले तो वालिद साहब ने दादा से बैंक बैलेंस के बारे में पूछा, क्योंकि वो पैसे दादा जान के अकाउंट में डलवाते थे। दादा ने बताया कि कुछ ही रकम बाकी है, घर पर खर्च होता रहता है। अम्मी को अब्बू की कमाई के बारे में कुछ इल्म नहीं था। उन्हें इतना खर्चा दिया जाता कि वो घर का मुश्किल से गुजारा करती थी। मेरे वालिद की मेहनत की कमाई का कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि वो अपने वालिद से हिसाब पूछ भी नहीं सकते थे। अब वो खाली दामन थे। बेटे की जवान मौत के सदमे ने उनकी हिम्मत छीन ली थी और वह सानहा दिलखराश के बाद अब उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनके जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया हो। अपनी उम्मीदों के इकलौते चराग बुझ जाने पर मौत की आरजू करने लगे थे, मगर अपनी नहीं किसी और की ज़िंदगी जीने पर मजबूर थे। अबीरा भाभी सिर्फ भाई की मैयत देखने आई और फिर दोबारा हमारे घर का रुख न किया। अल्लाह ऐसे इम्तिहान में किसी को न डाले। उन दिनों हमारे दिल पर सोगवारी छाई हुई थी। अम्मी भाई को याद करके खुद से बातें करने लगती थी और मेरा अलमिया ये हो गया कि अगर भाई की उम्र के किसी भी नौजवान को देखती उसे भाई पुकारने लगती।
भाई की मौत ने हम सबको अधूरा कर दिया और अब्बू की कमर तोड़ कर रख दी। वो दोबारा सऊदी अरब ना गए क्योंकि उनमें काम करने की सकत बाकी ना रही थी। वतन में भी काम करने के लिए हिम्मत के साथ रुपए का मसला था। उन्हीं दिनों दादा जान को बेटी की शादी के लिए रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और बेटी की शादी कर दी। अब्बू के हिस्से में जो रकम बनती थी दादा जान ने अब्बू को दे दी। इस तरह वालिद को थोड़ा सा माली सहारा भी मिला। मुश्किलात ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे थे। अब्बू जो भी काम करते वो बहुत जल्द ठप हो जाता और वह हिम्मत करके बैठ जाते। औलाद में हम दो लड़कियां बाकी थीं जो बिन ब्याही थीं। उन्हें हमारी फिक्र भी थी, वो चाहते थे कि हम नौकरी ना करें, लेकिन जब हालात बिगड़ गए तो मैं और मेरी बहन दोनों मुलाजमत की तलाश में घर से निकल गईं। एक रोज़ हम इंटरव्यू के लिए एक कंपनी के दफ्तर गए तो वहाँ इंटरव्यू लेने वाले शख्स के पास मेरे मामू बैठे हुए थे। उन्होंने हमें देखा तो परेशान हो गए। अगले रोज़ अम्मी के पास आए और कहा कि तुम्हारी बेटियाँ क्यों मारी मारी फिर रही थीं। अम्मी ने बताया कि घर के माली हालात ख़राब हैं और जो ज़मीन थी उनके दादा ने वो ज़मीन भी बेच दी, अब घर में खाने के लाले पड़े हैं। मामू हैरान रह गए कि हालात यहाँ तक पहुँच गए। फिर भी मेरी बहन ने मुझे ना बताया। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र ना करो, लड़कियों को ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में मत भेजो जिनके मुस्तकबिल का कोई पता नहीं। मैं एहसान मियाँ से बात करता हूँ, अगर मेरे साथ दफ्तर आकर बैठने लगे तो कोई अच्छी सूरत उनके लिए निकल आएगी। दोनों लड़कियों के रिश्ते भी मैं अपने लड़कों के लिए ले लूँगा। इस तरह मामू ने पहली बार हमारा एहसास किया। तो अम्मी के तन मुर्दा में जान पड़ गई। मैं खूबसूरत थी, मामू ने मेरे रिश्ते के बारे में अपने बेटे से बात की, उसने हामी भर ली और इस तरह मैं फराज की दुल्हन बनकर मामू के घर आ गई। मामू का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, किसी शय की कमी नहीं थी। वो अमीर आदमी थे और बहुत अच्छा घर था जिसमें उनके दोनों बेटे थे। दरअसल कुछ बरस कबल वालिद और मामू में किसी वजह से रंजिश हो गई थी, तब नतीजे में दोनों घरानों में दूरी पैदा हो गई। वालदा ने अपने शौहर का साथ दिया, इस तरह मामू अम्मी से मिलने नहीं आते थे। मगर मुसीबत में अपनी बहन को देखकर उनके खून ने जोश मारा और रंजिशें भुला कर वो हमारी मदद को आए। कहते हैं ना कि आखिरकार बुरे दिनों में अपने ही काम आते हैं, ये मामू ने साबित कर दिखाया। चचा ने जब देखा कि एक लड़की तो मामू की बहू बना दी गई है तो उन्होंने अपने तीसरे बेटे के लिए भी रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। झटपट मेरी छोटी बहन को मुनीब के लिए मांग लिया। वालदा ने कहा कि सिदरा भी छोटी है, फिलहाल मंगनी कर देंगे, लेकिन चचा ना माने। उन्हें शक था कि कहीं सिदरा का रिश्ता अपने भांजे से ना कर दे। सिदरा चचाजाद मुनीब को पसंद नहीं करती थी जबकि मामूजाद साहिब को दिल से चाहती थी। ताहम वालिद ने इस बार अपने भाई की मोहब्बत को दिल से जुदा न किया और इस तरह मंगनी कर दी। उन्हीं दिनों एक लड़का जिसने सिदरा को मेरी शादी की तकरीब में देखा उसके पीछे पड़ गया। सिदरा ने उसे कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलती है तो तुम मेरे भाई बन जाओ। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे अपने मरहूम भाई की जगह समझ लो। सिदरा भाई समझकर उससे मिलने लगी और उसे ख़त भी लिखने लगी, लेकिन वो लड़का सही नहीं था। उसने मेरी मासूम बहन को बेवकूफ़ बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। सिदरा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो परेशान हो गई और मुझे मज़र की चालबाजों से आगाह किया। मैंने अपने देवर साहिब को हर बात बता दी तो उसने मज़र को जा पकड़ा और उसकी खूब खबर ली और सिदरा की जान छुड़वाई। सिदरा के दिल में साहिब की मोहब्बत ने घर कर लिया था। अब तो मुनीब से मंगनी हो चुकी थी, वो किसी सूरत मामू की बहू नहीं बन सकती थी क्योंकि हमारी बड़ी बहनें पहले ही चचा की बहू हैं। अगर इस तरह रिश्ता मुनीब से तोड़ देते तो बड़ी बहनों का घर ख़राब होता। इस तरह बहनों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरत्तब हो जाते। यूँ शादी के दिन करीब आ रहे थे। सिदरा रो रो कर हलकान होती जा रही थी। उसका बस नहीं चलता था किसी तरह मुनीब से जान छुड़वा ले। वो आधी रात को उठकर दुआ करती, ए अल्लाह कुछ ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि उसकी और मुनीब की मंगनी टूट जाए और वह साहिब की हो जाए। साहिब भी दिल में उसके लिए पसंदीदगी रखता था लेकिन उस वजह से मजबूर था कि सिदरा की मंगनी हो चुकी थी। अगले दिन मेहंदी और फिर शादी थी कि अचानक वो हुआ जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। हमारी भाभी शादी से कबल जिसको पसंद करती थी, इत्तेफाक से मज़हर उस शख्स का भाई था। भाभी ने जब अपने पसंदीदा कोलीग ऑफिसर को मुनीब की शादी का दावतनामा भेजा तो कार्ड मज़हर ने भी देखा। उसमें पता और फ़ोन नंबर दर्ज था। सिदरा का नाम देखकर उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क गई और उसने मुनीब को फ़ोन करके मिलने की ख्वाहिश की
और फिर मज़हर ने कुछ खतूत मुनीब को दिखाया और कहा कि तुम्हारी होने वाली बीवी मेरे साथ भी मुलाकातें कर चुकी हैं, जिसका तस्करा इन खतूत में मौजूद है। मुनीब ने अबीरा भाभी को इस बात से आगाह किया। अबीरा को जैसे मौका चाहिए था, वो सिद्रा के पास आई और बोली, सच सच बताओ कि ये क्या मामला है, क्या ये बात सही है कि तुम मज़हर से मिलती थी और उसे खत लिखती थी? वो बोली कि हाँ, ये बात सच है, मैं उससे मिलती थी और खतूत भी लिखती थी। ऐसा जानकर सिद्रा ने कहा कि वो मुनीब से जाकर ये बात कह दे। अबीरा की अपनी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि सिद्रा और उसके भाई मुनीब की शादी इस तरह हो कि वो भी ज़बरदस्ती के बंधन में बांध कर ज़िंदगी गुजारें। उसने मुनीब को आगाह किया कि सिद्रा कहती है कि मज़हर ने सही कहा है, वो उससे मिलती थी। मुनीब ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया। अम्मी ने परेशान होकर मामू को फ़ोन किया तो वो साहिर को लेकर आ गए और बोले, सिद्रा मायों बैठी है तो बैठी रहने दो, इसे साहिर के नाम का जेवर और जोड़ा पहना दो, बारात वक्त पर आएगी लेकिन दुल्हा अब साहिर होगा। वालिद पर मुनीब की शादी से ऐन वक्त पर इनकार बहुत परेशान कुन था और वो खामोशी से अपने कमरे में पड़ गए थे। जब शादी के बैंड बाजे बजने लगे तो चौंक कर बाहर आ गए। वालदा ने आगाह किया कि सिद्रा को उसका मामू अपनी बहू बनाने के लिए आ गया है और अब मामू की बहू बन के जाएगी। तुम साहिर और सिद्रा के निकाह में आकर बैठ जाना, इसी में हमारी इज्जत है। चचा की बहू ना बन सकी तो ना सही, मामू की बहू सही। दो बेटियां चचा की बहुएं बन चुकी हैं, अब दो बेटियां मामू के आंगन का सिंगार हो जाएंगी और इसमें क्या कबाहत है। अल्लाह साहिर को लंबी उम्र दे, इसने हमारी लाज रखी, वरना आज लोग हम पर उंगलियां उठाते। मुनीब ने जो हमारे साथ किया बुरा किया, लेकिन अल्लाह ताला इज्जत रखने और इज्जत बढ़ाने वाला है। वालिद ने यह सुना तो आंसू पोंछ दिए। सुकून का तासुर उनके अफसरदा चेहरे पर बिखर गया और सिद्रा का निकाह साहिर से हो गया। आज मैं और वो अपने घरों में खुश हैं। सच है, अल्लाह कभी कभी मौजज़े दिखाता है। सिद्रा और साहिर की शादी भी किसी मौजज़े से कम नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।